हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मेथड्स ऑफ रेडियो ट्रेजर टेक्निक्स, मींस किस तरीके से रेडियो आइसोटोप्स को यूटिलाइज करके डिफरेंट जो बायोसिंथेटिक पाथवे होते हैं प्लांट्स के अंदर, उन बायोसिंथेटिक पाथवे को हम किस तरीके से ट्रेस आउट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके क्या क्या मेथड्स होते हैं, उसके बारे में हम आज के इस वीडियो में बताएंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने आपको बताया था डिफरेंट जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, डिफरेंट स्टेप्स इन रेडियो ट्रेजर टेक्निक, मतलब हम किसी भी प्लांट्स के अंदर अगर हमको किसी स्पेसिफिक केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बायोसिंथेटिक, मतलब वो किस तरीके से सिंथेसाइज हो रहा है, उस पाथवे को हमको एलुसिडेट करना होता है, फाइंड आउट करना होता है, तो उसको हम रेडियो ट्रेजर टेक्निक से किस तरीके से करते हैं, तो उसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं, उसके बारे में हमने डिटेल में बताया था इससे पहले के पार्ट में। तो उन वीडियो का लिंक है, आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, डिफरेंट मेथड्स ऑफ ट्रेजर स्टडी, मतलब कि रेडियो आइसोटोप को यूटिलाइज करके हम किस तरीके से डिफरेंट प्लांट्स के अंदर जो बायोजेनेसिस होती है, डिफरेंट केमिकल्स की बायोसिंथेसिस होती है, उसको किस तरीके से हम ट्रेस आउट करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि किन किन स्टेप्स या किन किन इंटरमीडिएट या क्या प्रीकर्सर इन्वॉल्व होके वो पर्टिकुलर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स या पर्टिकुलर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्लांट्स के अंदर सिंथेसाइज होते हैं। तो सबसे पहला जो मेथड होता है वो है प्रीकर्सर प्रोडक्ट सीक्वेंस। जैसे कि नाम है प्रीकर्सर प्रोडक्ट सीक्वेंस, मतलब इसमें क्या किया जाता है, प्रीकर्सर और जो प्रोडक्ट बना हुआ है उसके सीक्वेंस को रिलेट किया जाता है और इसको हम यूज किया जाता है प्रीकर्सर प्रोडक्ट सीक्वेंस फॉर द एलुसिडेशन ऑफ बायोसिंथेटिक पाथवे। और इसमें जैसा हमने आपको पहले बताया था कि क्या किया जाता है, प्रीकर्सर प्रोडक्ट सीक्वेंस को एस्टेब्लिश करने के लिए, एलुसिडेट करने के लिए, मीन्स फाइंड आउट करने के लिए प्लांट्स के अंदर क्या करते हैं, सबसे पहले जिस मेटाबोलाइट का या जिस सेकेंडरी मेटाबोलाइट है या जिस केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, इसके बायोसिंथेटिक पाथवे को हमको इन्वेस्टिगेट करना है, पता लगाना है कि किस तरीके से वो सिंथेसाइज हो रहा है। तो उस केमिकल के बायोसिंथेटिक पाथवे को इन्वेस्टिगेट करने के लिए प्री एज्यूम प्रीकर्सर डिसाइड करना होता है। और ये प्री एज्यूम प्रीकर्सर, मतलब कि वो प्रीकर्सर, इसको हम एज्यूम करते हैं कि उस प्रीकर्सर से ही वो पर्टिकुलर मेटाबोलाइट जो है सिंथेसाइज होगा, वो पर्टिकुलर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट सिंथेसाइज होगा उस प्लांट के अंदर। तो प्री एज्यूम्ड प्रीकर्सर लिया जाता है, प्रीकर्सर प्रीकर्सर जो है सिलेक्ट करने के बाद उस प्री एज्यूम प्रीकर्सर को रेडियो आइसोटोप से उसको लेबल्ड कर दिया जाता है और उसके बाद लेबल्ड प्री एज्यूम प्रीकर्सर को फिर प्लांट के अंदर फीड किया जाता है। और उसके बाद क्या किया जाता है, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद जो है उस मेटाबोलाइट को केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जिसके लिए हमने वो प्रीकर्सर फीड किया था, उस केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को हम आइसोलेट करते हैं, प्योरीफाई करते हैं और उसको क्या, उसकी रेडियो एक्टिविटी को डिटरमाइन किया जाता है। अगर उस मेटाबोलाइट में अगर वो रेडियो आइसोटोप प्रेजेंट है जो कि हमारे प्री एज्यूम प्रीकर्सर में प्रेजेंट था, तो इसका मतलब वो जो प्रोडक्ट है और मीन्स वो जो मेटाबोलाइट है किससे बना है, हमारे जो प्री एज्यूम प्रीकर्सर जो हमने प्लांट में फीड किया था उसी से बना है। तो इस तरीके से हम प्रीकर्सर प्रोडक्ट सीक्वेंस को हम इलुसिडेट कर सकते हैं, मीन्स फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, ये जो मेटाबोलाइट है, ये जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो हम आइसोलेट करते हैं, जिसकी रेडियोएक्टिविटी हम डिटरमाइन करते हैं, इससे हमको सफिशिएंट एविडेंस नहीं मिल पाता है जिससे हम ये कंफर्म कर सके कि वो जो प्रीकर्सर हमने फीड किया है वो प्रीकर्सर डायरेक्टली जो है उस प्रोडक्ट में या डायरेक्टली वो उस मेटाबोलाइट में कन्वर्ट होता है। तो इसको हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये जो हमने प्री एज्यूम प्रीकर्सर जो हम प्लांट के अंदर फीड करते हैं, हो सकता है ये प्री एज्यूम प्रीकर्सर जनरल मेटाबोलिक पाथवे में जाने के बाद जो है डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन से जो है वो एंड प्रोडक्ट बने, या तो ये जो प्रीकर्सर हम जो फीड किए हैं वो मेटाबोलाइट में कन्वर्ट होने के, मेटाबोलिज्म होने के बाद जो है एज अ प्रीकर्सर जो है इन्वॉल्व होता है फॉर दैट पर्टिकुलर सिंथेसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर केमिकल कंपाउंड। तो इसी कारण से ये कंफर्म करने के लिए कि करेक्ट इन्वेस्टिगेट करने के लिए प्रीकर्सर और प्रोडक्ट का सीक्वेंस को कि वो जो प्रोडक्ट बना है वो जो है डायरेक्ट जो वो प्रीकर्सर जो हमने फीड किया था वो डायरेक्टली जो है किसमें कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट, इसको कंफर्म करने के लिए, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है करेक्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ द प्रीकर्सर प्रोडक्ट सीक्वेंस, उसके लिए क्या किया जाता है, इसके लिए हम डबल या ट्रिपल लेबलिंग करते हैं। तो डिफरेंट जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्लांट्स के अंदर सिंथेसिस होते हैं, तो उसके लिए जनरली उसके बायोसिंथेटिक पाथवे को एलुसिडेट करने के लिए डबल या ट्रिपल लेबलिंग की जाती है। तो क्या किया जाता है, इस डबल या ट्रिपल लेबलिंग में जो प्री एज्यूम जो प्रीकर्सर होता है उसको लेबल करते हैं जो डिफरेंट आइसोटोप से, या तो सेम आइसोटोप से लेबल किया जाता है डिफरेंट प्लेसेस। तो डबल या ट्रिपल लेबलिंग करने से जो है हम
करेक्ट आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं प्रिकर्सर और प्रोडक्ट के सीक्वेंस को, जिससे हम कंफर्म कर सकते हैं डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द प्रिकर्सर एंड प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल लिखा हुआ है, तो एग्जांपल में हमने यहाँ पे ये जो है ये लाइसिन है, तो ये कंसिडर किया जाता है लाइसिन जो है, ये लाइसिन क्या है, ये डायरेक्ट प्रिकर्सर होता है किसका, सेटामिन का। सेटामिन स्पीसीज होते हैं, सेटामिन स्पीसीज के अंदर जो एक्टिव मेटाबोलाइट होता है सेटामिन, और ये इसके लिए जो प्री एज्यूम प्रिकर्सर क्या होता है वो है लाइसिन। तो क्या किया जाता है इसके बायोसिंथेटिक पाथवे को एलुसिडेट करने के लिए, हम क्या करते हैं लाइसिन को क्या कर दिया जाता है, लेबल्ड कर दिया जाता है। लाइसिन को हम यहाँ पे लेबल कर रहे हैं, ये जो कार्बन है लाइसिन का, यहाँ पे इस कार्बन को कार्बन 14 से लेबल कर रहे हैं, और यहाँ पे इस यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इसको ट्राइटियम से लेबल कर दिया जाता है, और उसके बाद ये जो लेबल्ड लाइसिन है उसको हम प्लांट के अंदर फीड करते हैं, और स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के बाद ये जो मेटाबोलाइट है इसको आइसोलेट किया जाता है, और प्यूरिफाई करने के बाद उसके रेडियो एक्टिविटी को डिटरमाइन किया जाता है। तो ये देखा गया है यहाँ पे जो ये रिंग बनता है, इस रिंग में एक ही कार्बन जो है, यही जो कार्बन है ये कार्बन 14 ही जो है इसमें लेबल्ड है, बाकी इसमें जो ट्राइटियम है ये रिलीज नहीं होता है, और इसमें जो ये जो रिंग फॉर्मेशन है इस चीज से हम ये कंक्लूड करते हैं, तो रिंग फॉर्मेशन के लिए जो नॉन लेबल्ड जो नाइट्रोजन है वो इन्वॉल्व होता है। तो इस तरीके से और भी डिफरेंट जो है प्रिकर्सर प्रोडक्ट सीक्वेंस को हम इलुसिडेट कर सकते हैं बाय द डबल और ट्रिपल लेबलिंग। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है, नेक्स्ट एग्जाम्पल में जो एनाबेसिन है, तो एनाबेसिन के बायोसिंथेटिक पाथवे को इलुसिडेट किया जाता है। तो एनाबेसिन क्या होता है, एनाबेसिन जो कि एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है निकोटियाना ग्लॉका जो कि वाइल्ड टोबैको बॉटनिकल नेम है, तो उसमें अंदर सिंथेसिस होती है एनाबेसिन की। तो ये जो एनाबेसिन है, तो ये एनाबेसिन में जो पिपरिडिन रिंग होता है, तो इस पिपरिडिन रिंग की जो सिंथेसिस के लिए जो प्री एज्यूम्ड जो प्रिकर्सर होता है वो है लाइसिन। तो ये इलुसिडेट किया जाता है बायो ट्रेजर टेक्निक से, हम ये पता लगाते हैं कि जो लाइसिन का जो कौन सा जो नाइट्रोजन होता है, ये नाइट्रोजन कौन सा नाइट्रोजन जो है एनाबेसिन के पिपरिडिन रिंग के फॉर्मेशन के लिए इन्वॉल्व होता है। तो इसे किस तरीके से पता लगाते हैं, तो इसको हम डबल लेबलिंग की जाती है, मीन्स लाइसिन को क्या कर दिया गया है यहाँ पे, लाइसिन को जो कि प्री एज्यूम प्रिकर्सर है एनाबेसिन का, तो ये लाइसिन को लेबल्ड कर दिया जाता है। ये लाइसिन का यहाँ पे जो कार्बन है C2 जो कार्बन है इसको लेबल कर दिया गया है बाय द कार्बन 14, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है C2 कार्बन 14। तो यहाँ पे C2 मतलब C2 कार्बन को यहाँ पे 14 कार्बन से जो है आइसोटोपिक रेडियो आइसोटोप कार्बन से उसको रिप्लेस कर दिया गया है, और यहाँ पे जो इस नाइट्रोजन को यहाँ पे लेबल नहीं किया, बल्कि ये जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन ये जो अमीन ग्रुप है इसके नाइट्रोजन को लेबल कर दिया गया है बाय द स्टेबल आइसोटोप नाइट्रोजन 15। तो ये जो लेबल्ड लाइसिन है, इस लेबल्ड लाइसिन को फिर प्लांट के अंदर फीड करते हैं निकोटियाना ग्लॉका, और स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के बाद जो है मेटाबोलाइट को आइसोलेट किया जाता है, तो और इसकी रेडियो एक्टिविटी को डिटरमाइन किया जाता है। तो रेडियो एक्टिविटी को डिटरमाइन करने के बाद ये पता चलता है कि ये जो एनाबेसिन का जो पिपरिडिन रिंग है, इस पिपरिडिन रिंग में सिर्फ एक जगह है, एक जगह ही मीन्स जो कार्बन 14 जिस पोजीशन पे हमने किया था उस पोजीशन पे ही इसमें एक ही कार्बन जो है रेडियो आइसोटोपिक है, और बाकी जो ये नाइट्रोजन है वो नॉन लेबल्ड है, मतलब कि एनाबेसिन पे जो यहाँ पे पिपरिडिन रिंग में जो नाइट्रोजन है वो नॉन लेबल नाइट्रोजन का इन्वॉल्वमेंट हुआ है, जो लेबल नाइट्रोजन है वो इन्वॉल्व नहीं हुआ है। इसी कारण से हम दूसरा एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म करते हैं जिसमें लाइसिन को डिफरेंट जो है आइटम्स में उसको लेबल किया जाता है, मीन्स इस बार क्या किया जाता है, इस बार में सेम कार्बन 14 को सेम पोजिशन में लेबल करते हैं, लेकिन इस टाइम इस नाइट्रोजन को लेबल नहीं किया जाता है, बल्कि ये जो नाइट्रोजन है जो टर्मिनल नाइट्रोजन है इसको लेबल करते हैं बाय द नाइट्रोजन 15 स्टेबल आइसोटोप से, और उसके बाद उसको निकोटियाना ग्लॉका प्लांट पर उसको फिट कर दिया जाता है स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के बाद। ये जब एनाबेसिन में कन्वर्ट होता है तो इसको हम एनाबेसिन को आइसोलेट करते हैं, आइसोलेट करने के बाद इसके रेडियो एक्टिविटी को डिटरमाइन किया जाता है, और इसके बाद ये देखा गया है कि इस एनाबेसिन का जो पिपरिडिन रिंग है, इस पिपरिडिन रिंग में ये जो कार्बन 14 है, ये कार्बन 14 इन्वॉल्व होता है, और साथ में ही ये जो लेबल्ड नाइट्रोजन है, ये लेबल्ड नाइट्रोजन ही पिपरिडिन रिंग में इन्वॉल्व हुआ। इससे हम ये कंक्लूड करते हैं कि जो लाइसिन का जो टर्मिनल नाइट्रोजन एटम होता है अमीन ग्रुप का, वही जो है एनाबेसिन के पिपरिडिन रिंग में इन्वॉल्व होता है। तो इस तरीके से हम डबल ट्रिपल लेबलिंग से हम बायोसिंथेटिक पाथवे को हम इलुसिडेट कर सकते हैं। तो ये हो गया प्रिकर्सर प्रोडक्ट सीक्वेंस के बारे में। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट स्टडी का, वो है कॉम्पिटिटिव फीडिंग। कॉम्पिटिटिव फीडिंग में क्या होता है, कॉम्पिटिटिव फीडिंग
जैसे कि नाम है, इसमें क्या करते हैं, अगर कोई भी प्रोडक्ट है या कोई सेकेंडरी मेटाबोलाइट है जिसका हम बायोसिंथेटिक इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो उसके लिए जो अगर कोई इंटरमीडिएट है या कोई प्रिकर्सर है, तो इसके अगर उसके नंबर ऑफ जो पॉसिबल जो प्रिकर्सर होते हैं या इंटरमीडिएट्स हैं, तो उसमें से एग्जैक्ट कौन सा प्रिकर्सर है या एग्जैक्ट कौन सा इंटरमीडिएट है जिससे वो प्रोडक्ट बन रहा है, तो उसको कन्फर्म किया जाता है बाय द कॉम्पिटिटिव फीडिंग। तो यहाँ पे मान लो कि इसको समझने के लिए ये जो ए क्या है, ये ए प्रीअज्यूम्ड प्रिकर्सर है, ये ए प्रीअज्यूम्ड प्रिकर्सर जिससे क्या बनता है प्लांट के अंदर, जिससे सी बनता है जो कि प्रोडक्ट है, जो कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट है या कोई केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है। तो ये जो ए है, ये ए जो है सी में किस तरीके से कन्वर्ट होता है, तो दो पॉसिबल इंटरमीडिएट जो है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सी इज ए बी और बी डैश। मीन्स ए जो है या तो बी में कन्वर्ट होने के बाद सी में कन्वर्ट होता है, या तो ए जो है बी डैश में कन्वर्ट होने के बाद सी में कन्वर्ट होता है। तो बी एंड या बी डैश जो है ये दो पॉसिबल इंटरमीडिएट्स हैं जिससे सी में कन्वर्ट होता है। तो हमको ये कन्फर्म करना है कि बी इज द इंटरमीडिएट या बी डैश इज द करेक्ट इंटरमीडिएट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सी। तो क्या किया जाता है, ये जो दो पॉसिबल इंटरमीडिएट्स है, ये दो पॉसिबल इंटरमीडिएट्स को रेडियो लेबल करने के बाद दो डिफरेंट ग्रुप्स में इसको इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। तो अगर सी में अगर रेडियो एक्टिविटी शो हो रही है जिसमें हमने जिस प्लांट ग्रुप में हमने बी को इंट्रोड्यूस किया था, इसका मतलब जो पॉसिबल इंटरमीडिएट है वो क्या है, वो पॉसिबल इंटरमीडिएट या जो पाथवे है वो क्या है, ए ए जो है बी में कन्वर्ट होता है और उसके बाद सी में कन्वर्ट होता है। क्योंकि जो दूसरा ग्रुप है जिसमें हमने बी डैश में जिसमें हमने बी डैश को इंट्रोड्यूस किया था, उसमें जो सी जो आइसोलेट किए थे उसमें कोई रेडियो एक्टिविटी जो है शो नहीं होती है। तो इससे हम ये कन्फर्म करते हैं कि सी बनने के लिए, सी जो बनता है सिंथेसाइज होता है प्लांट के अंदर, तो उसके लिए जो पॉसिबल इंटरमीडिएट है वो क्या है, वो जो है ए से बी में कन्वर्ट होता है और बी में के बाद वो सी में कन्वर्ट होता है। तो इस तरीके से हम कॉम्पिटिटिव फीडिंग मेथड से हम एग्जैक्ट या करेक्ट प्रिकर्सर और इंटरमीडिएट को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है टायरोसिन का। तो टायरोसिन क्या होता है, टायरोसिन जो है ये प्रिकर्सर होता है 3,4-dihydroxyphenylpyruvic एसिड से। तो टायरोसिन जो है 3,4-dihydroxyphenylpyruvic एसिड में कन्वर्ट होता है, और ये जो टायरोसिन है ये टायरोसिन डोपा में कन्वर्ट होने के बाद, मतलब डोपा क्या है, 3,4-dihydroxyphenylalanine, और ये 3,4-dihydroxyphenylalanine जो है ये किस में कन्वर्ट होता है, फिर 3,4-dihydroxyphenylethylamine में कन्वर्ट होता है। तो टायरोसिन जो है 3,4-dihydroxyphenylalanine में कन्वर्ट होने के बाद जो है 3,4-dihydroxyphenylethylamine में कन्वर्ट होता है। तो ये कंसिडर किया जाता है कि ये जो 3,4-dihydroxyphenylpyruvic एसिड है ये भी जो है, ये भी किससे सिंथेसाइज होता है, ये भी टायरोसिन से डोपा में पहले कन्वर्ट होता है और डोपा के बाद फिर 3,4-dihydroxyphenyl पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। तो क्या किया जाता है, इस कॉम्पिटिटिव फीडिंग मेथड से और रेडियो ड्रेसर टेक्निक से हम ये कंफर्म करते हैं कि ये जो टायरोसिन है, ये टायरोसिन जो है डायरेक्टली जो है 3,4-dihydroxyphenylpyruvic एसिड में कन्वर्ट होता है। इसके लिए जो इंटरमीडिएट है डोपा, ये इसमें डोपा में कन्वर्ट नहीं होता है। मीन्स टायरोसिन डोपा में कन्वर्ट होता है, बट डोपा जो है ये कन्वर्ट नहीं होता है 3,4-dihydroxyphenylpyruvic एसिड में। मीन्स टायरोसिन इज द डायरेक्ट प्रिकर्सर फॉर द 3,4-dihydroxyphenylpyruvic एसिड। तो ये हो गया कॉम्पिटिटिव फीडिंग का एग्जाम्पल। उसके बाद नेक्स्ट मेथड होता है सिक्वेंशियल एनालिसिस। सिक्वेंशियल एनालिसिस क्या होता है, तो सिक्वेंशियल एनालिसिस इसमें क्या किया जाता है, जो सिक्वेंस ऑफ केमिकल रिएक्शंस है, जो सिक्वेंस डिफरेंट जो बायोसिंथेटिक पाथवे होते हैं, तो बायोसिंथेटिक पाथवे में जितने भी रिलेटेड जो कंपाउंड्स होते हैं, तो उसके सिक्वेंस को इलुसिडेट किया जाता है, फाइंड आउट किया जाता है। तो किस तरीके से करते हैं, तो प्लांट्स को जो ग्रो किया जाता है इन द एटमॉस्फेयर ऑफ 14 कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें कि रेडियो आइसोटोप कार्बन 14 है। तो क्या करते हैं, जो प्लांट्स जो है, ये प्लांट्स को जब हम कार्बन 14 कार्बन डाइऑक्साइड में उसको जब ग्रो किया जाता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करता है, और ये जो प्लांट है इस कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज करने के बाद जो है स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के बाद फिर प्लांट्स के मेटाबोलाइट्स को क्या किया जाता है, आइसोलेट किया जाता है स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद। और उसके बाद प्लांट मेटाबोलाइट्स को आइसोलेट करने के बाद क्या किया जाता है, सीक्वेंस को ऑब्टेन किया जाता है, वेरियस जो लेबल्ड जो मेटाबोलाइट है, सीक्वेंस इज ऑब्टेन इन विच वेरियस रिलेटेड कंपाउंड बीइंग लेबल, मतलब जितने भी जो हमने आइसोलेट किया है जो कंपाउंड, वो जितने भी रिलेटेड कंपाउंड है जो कि लेबल्ड है, उसके सीक्वेंस को एस्टेब्लिश किया जाता है, उसको ऑब्टेन करते हैं।
बाय द सिक्वेंशियल एनालिसिस। और इस सिक्वेंशियल एनालिसिस से हम जो डिफरेंट जो कार्बन है, कार्बन यूटिलाइजेशन, ये कार्बन जो पाथवे इन द फोटोसिंथेसिस से और फोटो इससे डिफरेंट रिलेटेड कंपाउंड बन रहे हैं तो उसको भी पता लगाते हैं बाय द सिक्वेंशियल एनालिसिस। जैसे कि एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो मैंथा पिपरेटा होता है तो मैंथा पिपरेटा के अंदर जो है बायोसिंथेटिक पाथवे, मतलब क्या सिक्वेंस जो है बायोसिंथेटिक जो सिक्वेंस होता है मैंथॉल के सिंथेसिस के लिए, तो उसको हम लुसिडेट करते हैं, उसको किस तरीके ऑप्टेन किया जाता है, पता लगाया जाता है। तो ये क्या किया जाता है, मैंथा पिपरेटा है, इसको हम एक्सपोज कर देते हैं फॉर द 5 मिनट्स टू द कार्बन 14 कार्बन डाइऑक्साइड से एक्सपोज किया जाता है, और उसके बाद उसके मेटाबोलाइट्स को आइसोलेट करते हैं और जो रिलेटेड जो कंपाउंड होते हैं जो कि लेबल्ड कंपाउंड है उसके फिर सिक्वेंस को एस्टेब्लिश किया जाता है, ऑप्टेन किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे मैंथा पिपरेटा के अंदर पिपरेटॉन, और पिपरेटॉन के बाद जो सिंथेसाइज होता है मैंथॉन, मैंथॉन के बाद मैंथॉल सिंथेसिस होती है। तो ये जो क्या है, ये रिलेटेड कंपाउंड है और ये जो लेबल्ड जो रिलेटेड कंपाउंड के जो आइसोलेट करने के बाद जो है इसके सिक्वेंस को हम ऑप्टेन करते हैं। इसी तरीके से डिफरेंट प्लांट अदर मेटाबोलाइट्स जैसे कि ओपियम के अल्कलॉइड हो गए या टोबैको के अल्कलॉइड्स हो गए, उसके भी हम सिक्वेंशियल एनालिसिस से हम डिफरेंट जो बायोसिंथेटिक पाथवे में जो डिफरेंट रिलेटेड कंपाउंड्स के जो सिक्वेंस होते हैं उसको हम स्टेब्लिश करते हैं। जैसे कि एग्जांपल मॉर्फिन हो गया, तो इसका जो सिक्वेंशियल जो एनालिसिस है, जो सिक्वेंस में सिंथेसिस होती है जैसे कि रिलेटेड कंपाउंड का, जैसे कि थिबेन होता है, थिबेन से कोडीन और कोडीन से फिर मॉर्फिन की सिंथेसिस होती है। तो ये सब जो है सिक्वेंशियल एनालिसिस से हम फाइंड आउट करते हैं। और ये हो गया डिफरेंट मेथड्स ऑफ ट्रेजर टेक्निक्स, जिसमें हमने प्रिकर्सर प्रोडक्ट सिक्वेंस के बारे में बताया और उसके बाद कॉम्पिटिटिव फीडिंग के बारे में बताया, फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एग्जैक्ट प्रिकर्सर, करेक्ट प्रिकर्सर ऑफ द इंटरमीडिएट, एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटीज ऑफ नंबर ऑफ इंटरमीडिएट्स ऑफ प्रिकर्सर, देन बाय द कॉम्पिटिटिव फीडिंग मेथड वी कंफर्म द एग्जैक्ट प्रिकर्सर और द इंटरमीडिएट फॉर दैट पर्टिकुलर केमिकल कंपाउंड। और उसके बाद हमने आपको सिक्वेंशियल एनालिसिस के बारे में बताया। तो ये हो गया मेथड्स ऑफ रेडियो ट्रेजर टेक्निक। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया पीसीए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो बी फार्मेसी फिफ्थ सेमेस्टर का जो फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट है उसके यूनिट वन को। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे यूनिट टू, जिसमें डिफरेंट जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की जो कैटेगरीज होती है उसके जनरल मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन और डिफरेंट जो प्लांट्स के एग्जाम्पल दिए गए हैं जिसमें वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं, उसके बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, उसके यूजेस, कमर्शियल एप्लीकेशन के बारे में हम डिटेल में बताएंगे, मींस नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आज का जो कंटेंट है हमने लिया है फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री की बुक वॉल्यूम 1 वी डी रंगाड़ी की बुक से, और दूसरा हमने लिया है फार्माकोग्नोसी की बुक ट्रीज एंड एवांस से। थैंक यू।